संस्कार भारती परिवार गोरक्षप्रांत और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा कला ऋषि पद्मश्री बाबा योगेंद्र का नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, अवध स्थित फैजाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम अचल सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित, ललित कला एवं संगीत विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह, राकेश सिंह पहलवान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर किया गया, जिसके बाद संस्कार भारती से जुड़ी महिलाओं ने संस्कार भारती गीत की प्रस्तुति की, जिसके पश्चात एक छात्रा ने माँ दुर्गा की स्तुति की। वहीं अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्कार भारती के लोगों ने कला ऋषि पद्मश्री बाबा योगेंद्र नाथ के चरण धोकर माल्यार्पण और पुष्प की वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कला ऋषि पद्मश्री योगेंद्र नाथ के जीवन संघर्षों और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस मौके पर ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा विश्वविद्यालय की अमृता कला विथिका हाल में चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका कला ऋषि पद्मश्री योगेंद्र नाथ सहित अन्य अतिथियों ने अवलोकन किया। अभिनंदन समारोह संचालित करने का जो आज हमें अवसर मिला है,
यह मेरा सौभाग्य है। और साथ ही अगली परीक्षा, क्योंकि बाबा जी आप तो शत्रुतीत हैं, आपके व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना संभव है, फिर भी आपके जीवन यात्रा का परिचय देने की दृष्टता करने की अनुमति चाहते, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर आकांक्ष, क्योंकि बाबा आप तो कण कण अंतर कर के विविध कलाओं के धारी हैं, आपकी गहनता और स्नेहमयी सहृदयता का चतुर्दिक बहता प्रवाह अथाह है। ऐसे महापुरुष श्रद्धे बाबा योगेंद्र जी का जन्म 7 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के मुन्ना लाल ठाकुर द्वारा गांधी नगर मोहल्ले में पकहस बाबू नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय श्री विजय बहादुर जी के द्वितीय पुत्र के रूप में हुआ। आपकी 10वीं तक की शिक्षा ASHD एंड GRS इंटर कॉलेज बस्ती में, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई इन्हीं कॉलेज गोरखपुर में शुरू की, जहां प्रचारक के रूप में आए नानाजी देशमुख से आपका संपर्क हुआ और उन्हीं की प्रेरणा से सन 1941-42 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक बन गए तथा अपना जीवन संघ विकास के लिए समर्पित कर दिया। बचपन के दिनों से ही आपको सबसे ज्यादा लगाव चित्रकला विषय से था और अपने कमरे में कागज के खिलौने एवं चित्र बनाकर खूब सजाया करते। सन 1942 में लखनऊ में प्रथम वर्ष शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण लेने के बाद 1945 में आप स्वयं प्रचारक बनकर गोरखपुर के साथ साथ प्रयाग, सीतापुर, बरेली, बदाऊ आदि अनेक स्थानों पर संघ कार्य की बात, परंतु आपके मन में एक सुप्त कलाकार सदैव मचलता रहा। 1947-48 में अखंड भारत एवं कश्मीर विभाजन के विभीषिका जब आपकी तूलिका ने कैनवास पर उतारा तो आपके अंदर का कलाकार खुलकर सामने आया। 1857 से 1859 तक के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जिसे काफी सराहना मिली। आप द्वारा 1974 आपातकाल में टक्कर लेने वालों की पूरी कहानी जनता गरीब को बात नाम से प्रदर्शनी आयोजित की। सन 1979 द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन में धर्म गंगा प्रदर्शनी एवं महर्षि अरविंद प्रदर्शनी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के निर्देशन में 50 कला साधकों के सहयोग से आयोजित। आपने कल्पना की कला समर्पण एवं सभी विधा के कलाकारों को एक विचार, एक सूत्र, एक धातु में बांध कर राष्ट्र की गौरवपूर्ण परंपरा को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से 1988 पद्मश्री हरिभाव वाकणकर के सहयोग से लखनऊ में संस्कार भारती का गठन किया और आपने स्वयं अखिल भारतीय संगठन मंत्री का दायित्व संभाला। संवेदनशील कलाकार, संगठनकर्ता सहृदय योगेंद्र जी से जो एक बार मिला इनका ही होते रह गया। आप अपने अनवरत साधना में संस्कार भारती के कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज हमारे राष्ट्रीय संरक्षण संरक्षण मातृभूमि के अनंत पुजारी कर्मयोगी तब से लेकर आज तक अनंत यात्रा में है और आपके मार्गदर्शन में संस्कार भारती के 1500 से अधिक इकाइयां कार्यरत है और अनेक देशों में संस्था के कार्य का विस्तार हो रहा है। दुर्गम में आशावाद के पति बाबा योगेंद्र जी केवल एक व्यक्ति बल्कि संस्कार भारती की मूर्तिमंत सकारात्मक सोच है। इसी क्रम में सन 1984 पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के साथ आपने अमेरिका में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड थ्रू 500 के अंतर्गत वहां के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन लगाया। यात्रा में अनेकों सम्मान से सम्मानित किए गए और अनेकों को सम्मान प्रदान किया है। सन 1977 से 1999 तक पूरे भारतवर्ष में 78 स्थानों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आपने 2500 साधकों को सम्मानित किया। अमृत महोत्सव का समापन जब दिल्ली के साधारण सभा के साथ हुआ तो देश के तत्कालीन
प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अनेक वरिष्ठ कलासंघ उपस्थित थे। सन 2010 में मध्य प्रदेश सरकार ने आपको चंद्रशेखर सम्मान से सम्मानित किया। बाबा जी, आपके सम्मानों की फेहरिस्त तो लंबी है। आपके नाम से जुड़ने से सम्मान स्वयं सम्मानित होता है और आप जहां भी जाते हैं वह स्थान गौरवान्वित होता है। जब आपको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पद्म सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो हम सर्व सम्मानित महसूस करने लगे और याद आया अहल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में आप द्वारा दिया गया वक्तव्य कि सम्मान संगठन के काम का है, व्यक्ति तो सिर्फ माध्यम होता है। अपने संकल्प को लेकर चलना केवल संस्कार भारती यही चिंतन यही विचार आपका यही स्वप्न है कि भारतीय कला संपदा से पूरा विश्व परिचित और प्रभावित हो। सारे कला साधक राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत होकर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। संस्कार भारती ललित कला के माध्यम से परिवार और समाज को आनंदित करते हुए अपने संस्कारों और संस्कृति को संवर्धित करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम्। सन 2075 वर्ष में जो शुरू हुआ महोत्सव था उसका समापन गोरखपुर में नानाजी देशमुख के मौजूदगी में हुआ था। ये हम लोग के लिए अविस्मरणीय है। वसुधैव कुटुंबकम की जीवंत व्याख्या यानी युगेंद्र जी, अखंड अनंत जीवन यात्रा चालू है। आपको कोई रोक नहीं सकता। धूप में, छांव में, रेत हो, पर्वत हो, पानी पड़े, पत्थर पड़े, भूचाल आए, आप अनवरत चलते हैं, थकते न शरीर का कोई ख्याल, न समय की कोई बाध्यता, केवल एक ही विचार, भारत माता की सेवा। हम आपको नमन करते हैं।